वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस साल 2020 को डिक्लेयर कर दिया है एज ईयर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ई गवर्नेंस लाई जाए। सिलसिले में आज हम मालाकंड डिस्ट्रिक्ट के इतला सेंटर में बैठे हुए हैं। ये आपको सारा सिस्टम हमने डिस्प्ले करके दिया है कि जितना भी हमारा एफआईआर का मैकेनिज्म है या डाटा कलेक्शन है वो सारा ऑटोमेटेड है। हमारे 14 पुलिस स्टेशन हैं मालाकंड डिस्ट्रिक्ट में और इसका डाटा जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है इमीडिएटली वो इधर फ्लैश हो जाती है हमारे डैशबोर्ड पर। इसकी अब कामयाबी आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब हमने इसको टेस्ट किया और हमारे जितने यहाँ पर स्टाफ मौजूद हैं और उनसे हमने एक एक सवाल पूछा तो उनको ये मतलब उनकी उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही सिस्टम आसान अब हमारे लिए हो गया है। तो सूबाई हुकूमत की यही कोशिश कि हम अपने आवाम को कितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, कितनी उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में उनको आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसको अब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और ये एक इनकलाबी कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जो हदायत थी उसी के मुताबिक हमने स्टार्ट लिया। यहाँ पर आज हमारी मौजूदगी हुकूमत की वो कमिटमेंट है जो हमने अपने फोर्सेस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी उनको आगे लेकर आना है और मालाकंड लेवीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनको जदीद हुकूमत पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ये इतला सेंटर है, इतला सेंटर में हम मौजूद हैं और छाला कोशिश ये है कि हुकूमत की जो कमिटमेंट है लीवीज के हवाले से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से इंशाल्लाह इक्विप करेंगे टेक्नोलॉजी लिहाज से।